चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। राहुल ने अब वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है, वहीं वे रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, चर्चा ये भी है कि बीजेपी तेज दर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन 2019 में वे कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतार कर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। बीजेपी टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने वाले फैसले करते आई है। 1999 में जब सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि वे इस चुनाव में हार गई थी। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोट से चुनाव जीत पाई थी। 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रही हैं। सीट चुनी है दक्षिण भारत के केरल राज्य की वायनाड, वही वायनाड जहां से राहुल गांधी दो बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। राहुल की रायबरेली सीट प्रक्रिया और वायनाड छोड़ने के बाद प्रियंका की एंट्री चुनावी राजनीति में हो रही है। वैसे तो राजनीति में कदम रखने वाला हर कार्यकर्ता चुनावी राजनीति के जरिए संसद पहुंचने का सपना देखता है, लेकिन प्रियंका गांधी को यह मौका काफी देर से मिला है। हालांकि प्रियंका गांधी वायनाड से यूं ही नहीं उतर रही है, इसके पीछे गांधी परिवार की बड़ी रणनीति है। अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से क्यों लड़वाया जा रहा है, तो इसके पीछे राहुल गांधी की उत्तर और दक्षिण की राजनीति को साधने की रणनीति है। राहुल गांधी ये मानते हैं कि अब अमेठी ने दगा दिया है, तब उनको सुदूर दक्षिण के वायनाड नहीं बचाया। वायनाड के लिए राहुल गांधी के मन में इज्जत इतनी बढ़ गई कि वायनाड छोड़ने का फैसला लेना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया। उधर केरल और वायनाड के लोगों ने एक सुर में मांग की कि राहुल अगर वायनाड छोड़ रहे हैं तो गांधी परिवार के किसी सदस्य को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। स्वाभाविक है कि वो नाम प्रियंका का ही होता, वही हुआ। केरल और वायनाड ने 2019 और 2024 दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जमकर साथ दिया। केरल के लोगों ने लोकसभा में सीटों से कांग्रेस की झोली भर दी। राहुल गांधी उस आधार को खोना नहीं चाहते, इसलिए भी प्रियंका गांधी को टिकट देना सियासी मजबूरी बन गई है।